रायबरेली की प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। प्रियंका गांधी भूएमयू गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और 9:30 बजे के आसपास प्रियंका अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे प्रियंका गांधी, वाड्रा कुमारगंज से हनुमानगढ़ी की तक वार्ता करेंगे। प्रियंका का अयोध्या दौरा है तीसरा दिन उत्तर प्रदेश दौरे का। 9 जगहों पर लोगों से बातचीत करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, लोगों से मिलेंगी, मुलाकात करेंगी, उनकी समस्याओं को सुनेंगी। 3 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं भी होनी हैं और इसके अलावा सिधौना, आदिलपुर, नवा कुआ में नुक्कड़ सभाएं होंगी। 3 जगह जहां पर नुक्कड़ सभा होनी है। इसके अलावा मऊ शिवाला जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। अलग अलग जगहों पर प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है वो आपको तफसील से बता रहे हैं। सनबीम स्कूल में बच्चों से भी संवाद करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। जो बच्चे हैं वहाँ पर उनको भी इंतजार है प्रियंका के पहुँचने का। नवीन मंडी भी जाएंगी, वहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। आज प्रियंका की राम भक्ति भी आप देखेंगे अयोध्या में, राम की नगरी में। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए संजीव आजाद जुड़ चुके हैं अयोध्या से। संजीव, वहां 9:30 बजे रवाना होंगी रायबरेली से प्रियंका, उसके बाद अयोध्या पहुंचेंगी, वहां पर तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होना है प्रियंका का वहां पर? जी बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात की जाए तो कांग्रेसी जो है तैयारियों में लगे हुए हैं, वही जो है सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, आला प्रशासन भी लगा हुआ है। करीब 11 बजे के आसपास हैदराबाद की सीमा पर कुमारगंज पहुंचेंगी, यहाँ पहले स्वागत होगा, उसके बाद फिर अयोध्या की सीमा में प्रवेश करेंगे। 3 जगह पर इसकी जनसभा होनी है, उसके बाद करीब 9 जगहों पर ये लोगों से संपर्क करेंगी और फिर उसके बाद जो है सनबीम विद्यालय है छोटे बच्चों का, वहाँ पर बच्चों से मुलाकात करेंगी। जी आज अलग अलग जगहों पर तमाम कार्यक्रम प्रियंका गांधी वाड्रा के। संजीव, अभी तक ये जानकारी नहीं मिली कि रामलीला के दर्शन के लिए भी निकलेंगी क्या प्रियंका गांधी वाड्रा? जी बिल्कुल, अगर रामलला के दर्शन की बात की जाए, जो अभी तक का इनका कार्यक्रम है उसमें कहीं भी रामलला के दर्शन करने की बात नहीं है। हाँ, अयोध्या जाएंगे तो हनुमानगढ़ी और दर्शन करेंगे, फिर वहाँ दर्शन के बाद वहीं पर इनका रोड शो का समापन होगा और वहाँ से फिर लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। जी ठीक है, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगी। और संजीव, जो आसपास के गाँव है वहाँ के लोगों से भी मिलेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा आज? जी बिल्कुल, अगर कांग्रेसियों की बात की जाए तो 1-2 गाँव में उनके जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो इनका कार्यक्रम आया है, जो रोड चार्ट बना हुआ है, उसमें किसी गांव में जाने का जिक्र नहीं है। हालांकि कांग्रेसियों के अगर माने तो उनको 1 या 2 गांव में जाना भी है। ठीक, संजीव, पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पहुंच रही हैं बतौर महासचिव, कितने उत्साहित है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर इनके जो कार्यक्रम है अयोध्या आगमन की बात की जाए तो अगर पहले कांग्रेसियों की बात की जाए, सुबह से ही कार्यालय पर कांग्रेसी जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो जुड़े हुए हैं और सब उत्साह में दिख रहे हैं और एक दूसरे से जो कार्यक्रम बनना है, किसको कहाँ लगना है, कहाँ स्वागत करना है, वो सारी तैयारियां की। शुक्रिया संजीव, आपका नजर बनाए रखेगा। अब इसी पर मेरे सहयोगी फरमान अब्बास लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे फरमान का रुख करती हूँ मैं। फरमान, अभी वहां पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा? मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल, प्रियंका गांधी 8 बजे सुबह से ही यहाँ पर जो रायबरेली के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, रायबरेली के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं। कल देर रात तक उनकी भूएमऊ गेस्ट हाउस में उन्होंने बूथवार और जो विधानसभावार और ब्लॉकवार कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और माइक्रो लेवल पर उन्होंने बताया था कि जो एक कार्यक्रम शुरू किया है कांग्रेस ने, मेरा बूथ मेरा गौरव, उसमें बूथ को किस तरह से मजबूत करना है, माइक्रो लेवल तक किस तरह से कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है उनको अपना संदेश पहुंचाना है और जो कांग्रेस ने पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की यूपीए की, उस सरकार ने किस तरह से जो जन उपयोगी जो योजनाएँ हैं वो चलाई थी और जो केंद्र सरकार मौजूदा है एनडीए की, उस सरकार की खामियों तक पहुँचाया जाए, ये सिलसिला देर रात तक चला। और अभी सुबह से अगर हम बात करें तो सुबह भी प्रियंका गांधी रायबरेली के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और तकरीबन 9:30 बजे वो यहां से निकलेंगी, जो उनका अयोध्या जाने का कार्यक्रम है अयोध्या के लिए वो रवाना होंगी। ठीक फरमान, और कल जब से प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची लगातार मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, आप 2 दिन से वहां पर बने हुए फरमान, वहां के जो आम लोग हैं या फिर जो कांग्रेस के वहां के स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो प्रियंका के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनको लगता है प्रियंका के बारे में, और इस वक्त क्या 2014 से अलग वहां के लोगों की राय है? देखिए, अगर हम बात करें जो 2 दिन यहाँ पर हो चुके हैं प्रियंका गांधी को, आज उनका तीसरा दिन है,
अमेठी में जो परसों उन्होंने मुलाकात की थी कार्यकर्ताओं से, अमेठी के लोकसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात की थी और कल रायबरेली के लोगों से मुलाकात की थी। हमारी तमाम कार्यकर्ताओं से भी बात हुई और आम लोगों से भी बात हुई दीपा, तो एक बात तो तय है कि अमेठी से और रायबरेली से जो गांधी परिवार का रिश्ता है, जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी से जो रिश्ता है, लोगों का ये कहना है कि उनका जुड़ाव बहुत ज्यादा है, एक परिवार की तरह जो गांधी परिवार है अपने जो अमेठी और रायबरेली है उसको मानता है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें, जो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और अगर हम तुलना करें तो प्रियंका गांधी का क्रेज कुछ ज्यादा है, चूंकि प्रियंका गांधी की कार्यशैली इस तरह की रही है कि जहां पर भी जाती हैं वो उनको अगर रास्ते में कहीं भीड़ दिखती है तो वो लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, ये बात उनको दूसरे नेताओं से अलग करती है। और प्रियंका गांधी के बारे में जो यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी में वो एक बार फिर से इंदिरा गांधी की छवि देख रहे हैं, और अब जबकि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पहले वो अमेठी और रायबरेली तक सीमित थी, अब उनको उत्तर प्रदेश की 41 सीटों पर चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो ऐसे में जो लोगों का कहना है कि कांग्रेस की जो स्थिति है, तकरीबन ढाई दशक से जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है, प्रियंका गांधी के आने के बाद कुछ असर पड़ेगा और लोगों के अंदर प्रियंका गांधी का क्रेज कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल फरमान, और यही जोश उत्साह हमने अमेठी में भी देखा था राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में। उसके बाद जब सोनिया गांधी के गढ़ में पहुंची, संसदीय क्षेत्र में पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, तो वहां पर भी जोश कार्यकर्ताओं का बेहद हाई था, वो हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं। लेकिन उसी के इतर अगर बात करें, अमेठी में भी प्रियंका गांधी वाड्रा के विरोध में पोस्टर हमने देखे थे, वहां पर पोस्टर वॉर छिड़ चुका था, अगेंस्ट पोस्टर लगाए गए थे, और रायबरेली में भी खबर यह है कि वहां पर भी प्रियंका गांधी के विरोध में पोस्टर चिपका दिए गए। अब बिल्कुल, अगर हम अमेठी की बात करें तो जब परसों अमेठी में थी, जहां पर जिस स्कूल में प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं से मिल रही थी, उसके बाहर सम्राट साइकिल के से जुड़े हुए लोगों के जो परिवार था उसकी महिलाएं आई थी और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में प्रियंका गांधी के खिलाफ और गांधी परिवार के खिलाफ पोस्टर वार शुरू हुआ है, उनके विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। तो देखिए, कहीं पर भी 100% किसी के समर्थक नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं अमेठी और रायबरेली के, वो कांग्रेस से अपने आप को कनेक्ट मानते हैं और कहते हैं कि गांधी परिवार से उनके आत्मीय रिश्ते हैं। लेकिन विरोध की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जब चुनाव आता है तो ये लोग नजर आते हैं। रायबरेली में राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि भावनात्मक रिश्ता है गांधी परिवार से वहां के लोगों का, इसलिए भी प्रियंका वाड्रा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती।